दोस्तों सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 16 नवंबर 2023 दिन वीरवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या कुछ रेट हैं। लो जी दोस्तों अभी आलू की मंडी में खड़ा, पर आप यकीन नहीं करोगे कि सुबह के 9:30 बजे जी है, ऐसा माहौल लग रहा जैसे दोपहर के 1-2 बज गए, यानी माल की जो है मंडी में शॉर्टेज है जी। चलिए जानते हैं आज का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में कितनी गाड़ियां आई, कितनी क्या क्या रेट बिके। तो सबसे पहले दोस्तों खुशी की बात है, ये डंप लगातार जिसके बारे में हम बोल रहे थे कि ये डंप को कम करो, डंप को कम करो, ये ढेर जो पुराने ढेर थे ये कम हो गए जी। अब डंप कम हुआ है और मंडी में रौनक आई। सबसे बड़ा जो है ये जो ढेर लगे थे किसानों ने, व्यापारियों ने, जितने गोड़ी खिल्ली खिल्ले जो भी थे जी यहाँ भर भर के फेंक दिए थे, इसके कारण सारी मंडी का नाश मारा गया था। और पिछले हफ्ते भी मैंने बोला था इसको उठा के समुद्र में फेंक दो, ये जो बड़े बड़े स्टोर मालिक है इसको यहाँ से चकवा के गौशाला में दान दे दो, आपका बाजार सुधर जाएगा। और देखो चलिए जानते हैं, अभी तक मैंने रिपोर्ट नहीं पूछी सर, दोस्तों मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रहा, पर मंडी का माहौल देख के हम बता सकते हैं कि क्या बाजार चलेगा, और टाइम भी कोई ज़्यादा नहीं है जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार राणा जी। नमस्कार जी भाऊ जी, आज कितनी गाड़ियां हैं जी, कैसे यात्रा करके आए, वो सफल हो गई यात्रा, आलू में तेजी आ गई, बहुत बढ़िया सुन ली, बोले बोले भंडारी ने आपकी सुन ली, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, जय हो, बस उसी की काम है जी सारी। हाँ जी जाप्ता जी वही गए थे, कुछ ना कुछ बड़ा प्रार्थना करी सबके लिए, करी जी सबके लिए, मैं तो बाबा ने आपकी प्रार्थना स्वीकार, सब किसानों के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए, सब आढ़तियों के लिए, मेरी वीडियो में देख लेना, सबके लिए प्रार्थना करी की सब प्रार्थना स्वीकार होगी जी। वाह जी वाह, वाह आलू में तेजी आ गई थोड़ी, वाह जी वाह। तो मेन कारण क्यों है जी इसका तेजी का जी? मेन कारण यही है राणा जी, आलू नया तो आ रहा फटा हुआ ज्यादा। अच्छा जी। और पुराना जो बढ़िया आ रहा है वो कम हो गया अब। अच्छा जी। जो लोगों ने स्टोर बंद किए थे वो लोगों ने इधर उधर डाल के मंडियों में डंप करके खत्म कर दिया। अच्छा जी। कोई कानपुर में 200-250 गाड़ी जाती रही, दिल्ली में 30,000 गड्ढे डंप रहा। अच्छा जी। तो अब माल कम आना शुरू हो गया पुराना। अच्छा जी। बढ़िया आलू कम है, जो स्टोर चालू है उन्हीं का माल आ रहा है। अच्छा जी। अच्छा। बढ़िया आलू जो स्टोर चालू है उनका माल है जी 400 से 450 रुपए, 37-97 अलीगढ़ का, बढ़िया वाले 400 से 450 रुपए। अच्छा जी। 500 भी है। अच्छा जी। अच्छा जो रात को उठ जाए 500 भी है। अच्छा जी। और जो बात करें जी इसके चिप्सोना के बाजार जी आज के जी? चिप्सोना का बाजार बढ़िया आलू का 900, 850, 800। अच्छा। 800 से 900 रुपए। अच्छा जी। अच्छा। और अलीगढ़ का समझो 600 से 650 रुपए, बढ़िया 600 से 650। हल्के का अब कोई भाव नहीं है। अच्छा जी। हल्का माल छट चुका है दिल्ली मंडी से। हाँ जी। बैलेंस भी डंप भी अब 10,000-9,000 बैलेंस है बस। अच्छा जी। अच्छा। और जो हाँ ये भी कम हो गया जी फिर तो शायद बहुत कम हो गया अब। जो ये भी कम हो जाए जी, जो 9-10 हज़ार है, जो 3-4 हज़ार पे आ जाए 5 पे, और बाजार चमकेगा जी। बाजार चमकेगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और जो बात करेंगे जी सूर्या की क्या पोजीशन चल रही जी? सूर्या बिक रहा 900 से 1100 रुपए, बढ़िया आलू 900 से, चंदोसी वाला। अच्छा जी। अलीगढ़ वाला 700-750। अच्छा जी। और जो बात करें बाबू जी पुराने नए पंजाब की जी, जैसे गाड़ियाँ पंजाबी की आंदोलन है जी, नए आलू की? अच्छा जी। नए आलू का क्या चला जी आज बाजार इसकी? नए आलू की 31 गाड़ियाँ जी। नए आलू की 31 गाड़ियाँ जी। हाँ जी। आज की जी जो उने का आलू है उसका भाव है जी 800 से 950 रुपए तक, उने वाला 800 से 950 रुपए। और शाहपुर का जो फटा हुआ नहीं है वो 700 से 800 रुपए। अच्छा जी। जो फटा हुआ आलू है उसका कोई भाव नहीं है, फिर वो 600 भी है, 650 भी है, 700 भी है। अच्छा जी। जैसे भाव जी अभी 31 गाड़ियां आ रही, तो ये पहले इसकी ज्यादा डिमांड है नए वाले की, पुराना वाला भी बिक रहा जी इस समय? पुराना भी बिक रहा है जी। अच्छा। पुराना भी नहीं है मंडी में, नया भी नहीं है। अच्छा जी। अच्छा। इतनी गाड़ी की तो डिमांड है। तो बाजार ये आज में और कल में क्या डिफरेंस है जी? चमक का क्या बाजार कल कैसा था? रोज 10-20 रुपए, 50 रुपए चढ़ ही रहे हैं आलू में। अच्छा जी। पुराने आलू में चढ़ रहे हैं, ये पुराने आलू में 10-20-50 रुपए ऊपर चढ़ रहे जी, चढ़ रहे हैं बड़े आलू में। अच्छा जी। और पुराने की वही के वही है जी? हाँ जी। पुराने की मार्केट वही के वही रुकी हुई जी? नहीं, पुराने में चढ़ रहे हैं जी पैसे। ना ना, नए में। नए में बड़ी आलू होगा तो कोई भाव नहीं है, 1000 भी लग जाता है, 250 भी लग जाता है उन्हें का माल। नए आलू में बढ़िया की कमी है जी? बढ़िया नहीं आ रहा। तो बढ़िया आएगा 20-22 तारीख के बाद, 20-22 नवंबर के बाद, 20-22 नवंबर बाद जो बारिश हुई थी उसके बाद के आलू जो लगे हुए हैं वो बढ़िया आएंगे, उन्हें के भी, उछारपुर के भी, वो जो पहले जो पत्थर और बह के आ गए तो ऊपर से पहाड़ बह के बाद जो लगे हैं ना आलू। हाँ जी। वो बढ़िया आएंगे। अच्छा जी। उससे पहले तो बस ऐसे ही हैं जी, ये सब पटे पुटे ही आएंगे। जो बढ़िया आलू होता है वो 1000 भी बिक जाता है उसमें, तो बाबू जी 10 दिन लग जाएंगे जी अभी आने में।
20-22 तारीख से आना शुरू हो जाएगा बढ़िया, वो भी इक्का दुक्का जी नहीं आना शुरू हो जाएगा बढ़िया आलू 20। अच्छा जी अच्छा, तो इतना तक तो एक हफ्ते के लिए तो समझ लो बाजार चढ़ती कला में माना जाएगा जी। अब पुराने का भी मेरे हिसाब से मंदा नहीं आएगा आलू, बढ़िया आलू का भाव ठीक ही बना रहेगा। अच्छा जी अच्छा, साउथ में भी पुराने की डिमांड है, अभी नया तो साउथ में जाएगा नहीं। अच्छा जी, तो पुराने आलू की डिमांड चारों तरफ है, दिल्ली में भी है पुराने आलू की डिमांड। अच्छा जी, दिल्ली में 37-97, 500 से 550 तक बिट्टा चुहा है बढ़िया आलू। अच्छा जी 37-97 फिर भाऊ जी, ये तो वाणी सत्य हो जी भी, हम कहे करें थे इसको डंप को कम कर दो, ठाके समुद्र में फेंक दो, ये थोड़ा सा किसानों में समझ दिया, स्टोर मालिकों ने अपना किराया भाड़ा चक्कर करने में कोई कानपुर में फेंक दिए, कोई दिल्ली में फेंक दिए, कोई किसी मंडी में फेंक दिए, हमारा भाड़ा पूरा हो जाए। अच्छा, हौसला रखते धीरे धीरे बेचते हैं, तो ये मंदा का इतना नुकसान किसानों किसान भाइयों का व्यापारियों का नहीं होता। अच्छा जी, यानी उस समय घबरा सी गए जी, जो आप कहते रहे उस पर किसी ने मानी नहीं, जो हम कहते रहे हमारी भी किसी ने नहीं मानी। हम कहते रहे 100 गाड़ी दिल्ली में लाओ, और अब 100 ही आ रही है, अब देख लो भाव कितना तेज है। ठीक है जी, 100 से 150 रुपए कट्टे का फर्क पड़ गया एक हफ्ते में। यानी वो जो 100 से ऊपर गाड़ी आ रही थी, 100, 150, 120, 140 आ रही थी, और साथ में समझ लो 25-30 हज़ार रुपये, 25-30 हज़ार कट्टे डंप में थे, 28 हज़ार तक बैलेंस थे डंप में। अच्छा जी, अब रह गया 10 हज़ार। अच्छा, ये भी धीरे धीरे आज और कम हो जाएंगे। ये खौफ था जी बस इसका, ये चलो जी खौफ खत्म हुआ जी, अब तो जी रौनक लग रही। पर एक बात है जी, ऐसे में नजारा आता है जी, कम से कम ये बंदे चलने फिरने वाले आ रहे और फड़ साफ हो जाए, अब तो साफ हो गए, बस जड़ उमारने की देर है जी आपके यहाँ से। इसमें हमें भी फायदा है जी। अच्छा, जिससे पैसे लेने हैं वो दूर तक नजर आ जाता है, जब माल डंप लगा होता है तो चुप चुप के कट्टों के पीछे से निकल जाता है गाहक। अच्छा जी, अब हमें सारा नजर आ रहा है यहाँ से कोने तक, कौन आदमी जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, आप जरा फड़ पे घुमा के दिखाओ चारों तरफ आदमी नजर। हाँ जी, यहाँ से लो जी परले पासे तक का भी शम करा जी, और इधर तक का भी, दूर तक का जी। ठीक है जी, आपकी यात्रा सफल होगी राणा जी, बस 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 बस, भोले भंडारी ने आपकी सुन ली। हम तो यही कहा जी, 3-4 दिन यात्रा करके आए हैं, वो आलू वालों की पुकार सुनी गई। मैं तो सब ट्रेड वालों के लिए करा, दिल्ली जादवपुर मंडी का भी नाम लिया, आढ़तियों का भी, किसान भाइयों का भी, हम तो यही प्रार्थना करा जी, हम तो शुरू से भी सबका भला हो जी। चलिए धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी देने के लिए जी। दोस्तों ये बाबूजी की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है जी, इनका 12 महीने दोस्तों स्पेशल आलू का ही काम है जी, और दोस्तों सब्र और हौसले से जो भी है जी उसी से ही काम हुआ जी।